भाग्यशाली पुत्र का जन्म हो, ये मेरा तुम्हें आशीर्वाद है। साल 1867 के कार्तिकी पूर्णिमा के धन्य दिन श्रीमद राजचंद्र जी का जन्म हुआ। 8 वर्ष की उम्र से ही उन्होंने कविता लिखने की शुरुआत की। प्रतिभाशाली राजचंद्र जी को साक्षात सरस्वती और हिंद के हीरे का खिताब मिला था। उन्हें अपने पूर्व के 900 भवों का ज्ञान हुआ था। विद्वानों में उनकी प्रसिद्धि श्रीमद राजचंद्र के नाम से हुई थी। लाख लाख दिवड़ानी जोत। ज्ञानी को भला क्या पढ़ना। पाठशाला के प्रथम दिन ही जो जो शिक्षक महोदय पढ़ाते गए, त्यों त्यों श्रीमद बताते जाते थे कि ये तो मुझे आता है। लाख लाख दिवड़ानी जोत प्रगटाव जोत। केवल 19 वर्ष की आयु में श्रीमद ने हजारों लोगों के सामने एक साथ 100 कार्य करके सबको मंत्र मुग्ध कर दिया था। I would recommend you to visit Europe to display this extraordinary talent of yours. ज्ञान बेचकर धन और सम्मान इकट्ठा करने की हमारी जरा भी इच्छा नहीं। कोटि कोटि कर जो प्रणाम। मैंने सबसे ज्यादा किसी के जीवन से ग्रहण किया होगा तो वो कवि श्री श्रीमद राजचंद्र के जीवन में से है। दया धर्म भी मैंने उनके जीवन में से ही सीखा है। आज दिन सोना नो उग्यो। आज दिन सोना नो उग्यो। श्रीमद जी बताइए, कैसा लगा आपको हमारा आलीशान बंगला? इसे भोगने वाला कौन होगा? ये शब्द टाटा के हृदय को स्पर्श कर गए, इसलिए उन्होंने अपनी संपत्ति से बहुत परोपकार किया। राजमन मंदिर पधारे। दया जैसा कोई धर्म नहीं है, दया ही धर्म का स्वरूप है। जहाँ दया नहीं वहाँ धर्म नहीं।